Hello students, today we will start our poem Narho Na Nirash Karo Man Ko. It's an experimental and inspirational poem. It has written by Maithili Sharan Gupta, was the poet of Dwivedi Yug. Maithili Sharan Gupta Dwivedi Yug ke kavi hai aur इस कविता के माध्यम से कवि का ये कहना है, ये राष्ट्रकवि कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, याद रखो द्विवेदी युग के कवि हैं और राष्ट्रकवि कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में कवि का ये कहना है कि संसार में इंसान सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य को कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए। उम्मीद ही जीने का मूल कारण है। अगर हम उम्मीद खो देंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए मनुष्य को हमेशा उम्मीद रखना चाहिए और आशावादी होना जरूरी है। अगर हम आशावादी नहीं होंगे, निराशावादी अगर हो जाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ हर कोई है दुनिया की भीड़ में, या हर कोई है दुनिया की भीड़ में, राह किसी के लिए नहीं बदलती। अगर दूसरों को गिराकर संभल सको तो चलो, अगर नहीं चल सकते तो दुनिया में कभी मंजिल तक आप पहुंच नहीं सकते। इसलिए इंसान को कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होकर जीवन में लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए। दिस इज द मेन थॉट और थीम ऑफ दिस पोएम, क्लियर? Now come to the poem. कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। कवि का ये कहना है कि हे इंसान, ये संसार तुम्हारा कर्म भूमि है, ये ही तुम्हारा धर्म भूमि है। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है और अपना धर्म निभाते हुए तुम्हें संसार में उचित कर्म करना चाहिए संस्कार के साथ, और वो उचित कर्म ही संसार में तुम्हारी पहचान बनाएगा। इसलिए कवि कहते हैं संसार में कुछ ऐसे काम करो जिससे पूरे समाज में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारे नाम का चर्चा हो। कहते हैं यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। कवि कहते हैं कि इंसान का जन्म अत्यंत दुर्लभ है और महत्वपूर्ण भी है। किसी का जन्म व्यर्थ नहीं होता है, इसीलिए इस जन्म के महत्व को समझते हुए अगर तुम उचित कर्म करते हो तो दुनिया में तुम्हारी सही पहचान बनेगी, वरना तुम्हारा जीवन और यह जन्म दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए जीवन को सार्थक करने के लिए मनुष्य को उचित कर्म करना जरूरी है। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। कहते हैं मन को उपयोग करो, उपयोग के योग्य करो, क्योंकि निराशावादी लोग कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आशावादी होते हैं, जो मन को उपयुक्त बनाते हैं, मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंताधारा के साथ तुम्हें चलना है, तभी जाकर तुम मंजिल तक पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम्हें निराशावादी नहीं होना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में चाहत होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में चाहत होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान सिर्फ हौसले से होती है। इंसान को हौसला रखना जरूरी है और हौसले के साथ इंसान मंजिल की ओर बढ़ता है। कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निराश अपना, पथा प्रशस्त करो अपना।
अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। कवि कहते हैं संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। वक्त नसीब जीवन में एक ही बार आते हैं, गुजरा हुआ वक्त निकल गया नसीब फिर वापस नहीं आते हैं। इसलिए कवि का ये मानना है जो वक्त तुम्हें मिला है उसे व्यर्थ ना करो, उस वक्त का सदुपयोग करते हुए, जो अवकाश में मिला अपॉर्चुनिटी उस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करते हुए जीवन में सफलता हासिल करने की कोशिश करो। और सद उपाय के द्वारा जो कोशिश किया जाता है वो कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, सफलता हमेशा उनको मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझो जब को ना निराश अपना, पथा प्रशस्त करो अपना। संसार को निराश अपना यानी कि खाली खोखला सपना ना समझो। ये संसार तुम्हारा कर्म भूमि है, रण भूमि है, धर्म भूमि है। इस संसार में तुम्हें उचित कर्म करना है, इसलिए संसार को कभी निराश अपना, एक खोखला खाली सपना ना समझो। पथा प्रशस्त करो अपना, जीवन की जो राह है, जिंदगी की जो राह है, जिस राह पर हमको चलना है उस राह को हमें ही बनाना है, उस राह को प्रशस्त चौड़ा खुद को ही करना है। कहते हैं ना, सोचोगे तो हर बात की वजह मिल जाएगी, खोजोगे तो हर मंजिल की राह मिल जाएगी। जिंदगी इतनी भी मजबूर नहीं है मेरे दोस्त, जिंदगी इतनी भी मजबूर नहीं है मेरे दोस्त, जिगर से जियोगे तो मौत ही जीने की अदा बन जाएगी। बस सोच की देर है, सोच बदल कर देखो दुनिया बदलेगी। सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजराने बदल जाएंगे। कश्ती की दिशा को बदलने की जरूरत नहीं है, कश्ती की दिशा को बदलने की जरूरत नहीं है, बस इरादे बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं। सवाल यह है कि हम कैसे सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सकारात्मक कोशिश करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, अगर निराशावादी होकर रहेंगे तो हम कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। फिर कहते हैं अखिलेश्वर, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। इसलिए कवि का मानना है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए और आत्मविश्वास के साथ कर्म करते हुए निरंतर हमें मंजिल की ओर बढ़ना है। करना इरादे को इतना बुलंद करो, अपने इरादे को इतना बुलंद करो कि खुद खुदा कर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। भगवान को इतना मजबूर कर दो कि भगवान तुम्हें सफलता देने पर मजबूर हो जाए, लेकिन अपने हृदय में आत्मविश्वास रहना जरूरी है, दिमाग में सकारात्मक सोच रहना जरूरी है और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, तब इंसान सफलता हासिल कर सकता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। कर्म थर्ड पैराग्राफ, नीत गौरव का मित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो ना तेजो निसाधन को, नर हो ना निराश करो मन को। कहते नीज गौरव का मित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। नीज गौरव आत्मसम्मान, अगर हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमारा सम्मान नहीं करेगी। सो वी शुड रेस्पेक्ट आवर सेल्फ एट फर्स्ट, देन द वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट अस, अदरवाइज नॉट। इसलिए कवि का कहना है आत्मगौरव यानी कि निज गौरव आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए,
अगर सम्मान चला गया तो मनुष्य का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, अर्थात खुद को कभी छोटा ना समझना, इसको कहते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद को कभी छोटा ना समझो, संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी इंसान है, तुम सबसे श्रेष्ठ प्राणी हो, कर्ता भी तुम हो, कर्म भी तुम हो, क्रिया भी तुम हो, ईश्वर भी तुम हो, सब कुछ तुम ही तुम हो, तुम्हारा अंदर पूरा विश्व रूप है, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही सब कुछ हो। इसीलिए अपना कभी छोटा ना समझो। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। सूर्यवंशी के राजा श्री राम बोले थे प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहां कभी कहते हैं सब चला जाए लेकिन मान रहे, इज्जत सब कुछ खो दो लेकिन इज्जत कभी खोना मत, क्योंकि इज्जत अगर एक बार चली गई इज्जत दोबारा नहीं मिलेगी। और ऐसी इज्जत हमें कमाना है कि मरने पर गुंजित गान रहे, हम मर जाने के बाद भी हमारा नाम इस संसार में गूंजता रहे, दुनिया हमें याद करता रहे। और ऐसे काम हमें करना है जिससे हमारा नाम पूरी दुनिया में गूंजता रहेगा। कहना खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे। दिल से महसूस तो कीजिए, दूर होते हुए भी आपके पास नजर आएंगे। इज्जत ऐसे कमाओ कि तुम मरने के बाद भी तुम्हें दुनिया याद करे, तुम्हें कोई ना भुला पाए। काम ही ऐसा करना है कि दुनिया में हमेशा के लिए हमारा नाम अमर हो जाए। कह दे कुछ हो ना तेजो निज साधन को, साधन मतलब रिसोर्सेस, जो भी साधन है छोटा बड़ा, जो भी साधन आपके पास है उसका सही उपयोग करते हुए तुम्हें जीवन में सफलता हासिल करना है। इसलिए जो भी साधन तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें निराशवादी नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू लास्ट पैराग्राफ। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर हे किसका यह दोष कहो, समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। कवि का यह कहना है ईश्वर तुम्हें मनुष्य बनाने के साथ साथ सोचने के लिए दिमाग दिया है, कर्मशील होने के लिए हाथ दिए हैं, और जीवन बिताने के लिए जो भी साधन तुम्हें चाहिए संसार में वो सभी साधन को उपलब्ध भी करवाए हैं प्रभु। अगर हम निराश होकर आलसी निकम्मेपन के कारण उन वस्तुओं को अगर प्राप्त कर नहीं पाते हैं, यह हमारी भूल है, यह हमारी ही गलती है, इसके लिए हम ईश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर हम आलसी बने रहे, निकम्मे बने रहे, तो हम संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हम खुद ही दोषी माने जाएंगे। इसलिए ईश्वर हमें कर्मशील होने के लिए हाथ दिए हैं, कर्म करने के लिए संसार दिया है, और हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी वस्तुओं का विधान व्यवस्था भी किया है। सिर्फ हमें कोशिश करने की जरूरत है उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। कहते अगर मनुष्य सही तरीके से लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करे और निरंतर कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे, तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु है नहीं जो उसके अलभ्य हो जाए। हर वस्तु इंसान के लभ्य है, हर वस्तु इंसान के लिए प्राप्त योग्य है। शर्त यह है कि इंसान को निरंतर कोशिश करनी चाहिए, तब ऐसी कोई वस्तु होगी नहीं संसार में जो मनुष्य के लिए अलभ्य हो सके। क्लियर? अब जरा बिट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। जग में रहकर कुछ डैश करो, नाम निराश ना होकर मन को क्या करना होगा, उपयुक्त
जगत को क्या नहीं समझना चाहिए, मेरा सपना। प्रभु ने तुमको क्या दान दिया है, कर। बाकी सारे जितने बिट क्वेश्चन हैं वो ऑफ क्लास में डिक्यूट किए जाएंगे। क्लियर? हैव अ नाइस टाइम।